नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तजा। रूबरू प्रोग्राम के तहत हम आपको अलग अलग पंचायतों में अलग अलग जनप्रतिनिधि, अलग अलग उम्मीदवारों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। ऐसे भी जो उम्मीदवार हैं, ऐसे भी हीरो हैं हमारे समाज के, जो अनसंग हैं, जो गुमनामी की दौर में हैं लेकिन सियासत के दंगल में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। हमने वैसे भी चेहरों को सामने किया और आज हम रूबरू प्रोग्राम के सफ़र में आप पहुंचे हैं मधुबनी ज़िला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत तीसी नरसाम उत्तरी भाग है ये ग्राम पंचायत राज तीसी नरसाम उत्तरी भाग। और यहाँ की जो इस बार महिला प्रत्याशी हैं, मुखिया प्रत्याशी मुखिया पद के लिए आरती देवी जी हैं, उनके पति हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छोटे पंजियार जी। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि मुखिया पद पे 5+5 10 साल, एक दशक तक लगातार इस पंचायत की ये सेवारत रहे हैं, सेवा किए हैं। क्या रोड मैप है, क्या रणनीति लेकर इस चुनावी दंगल में उतरे हैं और 12 दिसंबर 2021 को त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो चुनाव है वो थम जाएगा, अंतिम चरण का मतदान होना है 12 दिसंबर को। आइए हम इनसे ही जानते हैं, इनसे ही बात करते हैं और विकास की गाथा इनके ही जबान से सुनते हैं। दी लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को धन्यवाद मेरे तरफ से और पूरे पंचायत की तरफ से। 10 साल का एक लंबा सफ़र है, उस सफ़र के बारे में अगर हमको संक्षेप में कुछ बताते चलें इस तीसी नरसाम उत्तरी भाग के पृष्ठभूमि में तो बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए भी और आपके मतदाताओं के लिए भी। हमने 32 साल बनाम 10 साल पहले पूर्व मुखिया जो थे 32 साल यहाँ रह चुके हैं लगातार, और मैंने 10 साल की सेवा की। 5 साल हम अपने मुखिया थे और 5 साल मेरी पत्नी, और जो 10 साल में हम किए हैं तो तुलना अगर इस पंचायत के जनता करेंगे तो 32 साल जीरो जाएगा और मेरा 10 साल का जो है 100% से ऊपर जाएगा। जो परसेंटेज अगर माना जाए तो 100% है। मैंने न तीसी को छोड़ा है, न गढ़िया को छोड़ा है, न नरसाम को छोड़ा है, न रामसागर टोल छोड़ा है, एक भी गली और कुची। पूर्व मुखिया के घर के चारों तरफ मैंने रोड और नाला बनवाया, जो पहले उनको जो कचरा में चलना पड़ता था, अपना घर को भी नहीं संभाल सके तो पंचायत को क्या संभालेंगे। रह गया गढ़िया मस्जिद तक जाने वाली मैंने सड़क बनवाया, गांव टोला मोहल्ला का जो है सड़क बनाया, रामसागर टोला में हम सड़क बनाया, तीसी में गली गली हम सड़क बनवाए, नरसाम में भी हम सड़क बनवाए, नरसाम में हम हाट का जो है अति नरसाम अति छठ घाट का जो है बनवाए। बहुत सारा ऐसा है जल से नल जल वाला, वो भी हमारे यहाँ पूर्णतः है। एक वार्ड 11 में जो है सिर्फ जो है हमारा विकास थोड़ा सा कम हुआ है पंचायत से, जो कि दोनों वार्ड दोनों रोड है गढ़िया से और असुरा जाने वाले दोनों रोड को हमने स्वीकृत करके पैसा उस फंड में डाल करके छोड़े हुए हैं। काम सिर्फ जो है नल जल के चलते जो है रुका, हम इसीलिए जो है वहाँ काम नहीं हो सका। हमने जो भी किया वो न कभी जात का भेदभाव समझ करके, हमारे पास में न जात का कोई भेदभाव है न कुछ है, न हम जात का बात कभी समझते हैं। हमारे लिए सब बराबर है, सब सामुदायिक बराबर है, इसीलिए हम 10 साल से लगातार हैं और हम पर जो है लोगों का विश्वास है और आज भी हम पूर्णतः संतुष्ट हैं कि जो है हम फर्स्ट में रहेंगे और जीत हासिल मेरा ही होगा। आप इस बार जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तीसरी बार है ये, तीसरा सफ़र होगा आपका सियासत का, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं और किन मुद्दों को लेकर अंतिम तक आप जाएंगे, 32 versus 10 या विकास? विकास वही ना, 32 versus 10 तो विकास पर ही जाएंगे। हमने जो 10 साल में विकास किए हैं, हमारे जनता एक एक जनता सब समझती है कि जो है मतलब हम कितना विकास किए हैं नहीं किए हैं। 32 से 10 किस तरह अलग है, हम आपके ज़बान से सुनना चाहते हैं। जनता को तो दो आँख दिया है जी भगवान ने, तो वो देख लेगी, सुन लेगी, समझ लेगी, सूंघ लेगी, स्वाद ले लेगी। आपके ज़बान से हम सुनना चाहते हैं क्योंकि मतदाता भी उत्सुक हैं आप ही के ज़बान से सुनने के लिए। 32 साल में हमारे यहाँ पेंशन में लीजिए तो 100 पेंशन था, अभी 3200 पेंशन है।
इंदिरा आवास में पहले क्या हो रहा था वो सब जो लोग जानते हैं, हम मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे समय में जो भी हुआ बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ, सभी जनता के हाथ में गया पेमेंट, एक भी पेमेंट किसी मुखिया को नहीं लेना है, पेमेंट जनता के हाथ में गया, जनता लिया, जो भी हुआ मान सम्मान सारा चीज़ हमने जनता को दिया, और उसके बाद में जो भी कहीं विकास हुआ, विकास में कहीं कतई नहीं हम जो है भेदभाव किए, पूरे जगह जो है गली गली का जो है मतलब रोड ढलाए, हर जगह विकास का जो है हवा बहा, जो हमारा रिकॉर्ड है कि जितना हमारे यहाँ हुआ है, अगर विकास पर अगर वोट अगर मिलेगा मेरे यहाँ, तो हम समझते हैं कि जो भी यहाँ प्रतिद्वंदी है सबका जमानत जब्त हो जाएगा। आपको क्या पसंद है, विकास या सच्चाई? हमको दोनों पर विश्वास है, विकास हम कर्म है मेरा, और सच्चाई तो जनता को जो हाथ में है, उनको क्या करना है वो जनता करेंगे, हमारा तो है विकास पर, हम विकास करेंगे, विकास का जो है अब हमारे लिए अभी जो बाकी है कुछ ऐसा चीज़ है कि हमारा जो अपना बाकी है, जैसे कि नरसाम में कुछ बाकी है, गढ़िया में भी बाकी है, तीसी में भी जो बाकी है, जैसे कि तीसी में जो है छठ घाट नदी में जो है बनाने का जो है हमारा जो भी रोड मैप है सब स्वीकृत रोड मैप है, ये नहीं है कि नेतागिरी वाला जो है हम बोल देंगे और नेतागिरी वाला जो है हमने आम सभा से पारित करके सारा योजना पटल पर रख दिया हूँ, ये नहीं है कि हम बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, जो भी हम योजना घोषणा पत्र में मेरा अपील में है वो सारा चीज़ स्वीकृति है। हम धरातल की बात किए हैं आप, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, पूछ ही लें आपसे, बिहार सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, धरातल पे ज़मीनी स्तर पे उसकी क्या तस्वीर है वो आप हमको बता दीजिए चलते चलते, कि बिहार सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएँ नल जल एवं गली नाली, और तीसरा हम आपको जोड़ कर दे रहे हैं ODF खुले में शौच मुक्त ग्रामीण भारत, ये तीनों पे आपकी हम टिप्पणी चाहते हैं। हमने जल नल की जहाँ तक अपने से जहाँ तक हमको संभव हुआ हमने पूरे वार्ड को क्रियान्वयन कमेटी को विश्वास में लेकर के उसको मदद करके सारा जल नल मेरे यहाँ चालू है, कुछ जल नल बंद है सो लाइन के अभाव में बंद है, पोल नहीं गरा सका, सारा चालू है, एक वार्ड छोड़ करके 11 को छोड़ करके बाकी सारा चालू है, और गली नाली, गली नाली तो जो है हमारे यहाँ हर वार्ड में जो है पूर्ण है, कुछ वार्ड बाकी है जो पैसा के लिए बंद है, शौचालय में तो जो है मतलब कुछ वंचित है, बाकी जो है बहुत सारे लोगों को जो है शौचालय बन चुका है और कुछ वंचित है, होगा धीरे धीरे होगा सब होगा। योजनाओं का एक टाइम लिमिटेशन होता है, दवाई खाना खाने का सामान वस्तु और इंसान भी एक्सपायर करता है, तो योजना भी एक्सपायर करता है, हमसे ज़्यादा तजर्बा है, ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, तो योजना जो अधूरा रह गया या पूर्ण रूपेण पूरा नहीं हो सका, इसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं जो है हमने वार्ड सदस्य के चलते हमारा योजना जो है 11 नंबर में वार्ड सदस्य के चलते हमारा योजना अधूरा रह गया, और वार्ड सदस्य जो है मदद शुरू और कुछ जो है ग्रामीण थोड़ा सा जो है सहयोग नहीं दिए, इसके चलते जो है वार्ड में जो है मेरा काम कुछ अधूरा रह गया, जो कि वो भी काम के लिए हम पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है योजना में अकाउंट में, दोनों गढ़िया से और असुरा जाने वाली दोनों सड़क को हम पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, एम भी इशू है, एस्टिमेट इशू है, सारा चीज़ इशू है, उसमें काम अभी पंचायत चुनाव में आरक्षण के अति क्या कर रहे हैं अति के आचार संहिता के चलते जो है मतलब अभी बंद है, जब आचार संहिता ख़त्म होगा तुरंत चालू होगा, तो हम विकास के लिए कतई कभी भी जो है पीछे नहीं रहते हैं, जितना जो संभव है हमसे और प्रशासन से, हमने IAS यहाँ पर ट्रेनिंग में आए, कभी भी पूर्व में जो भी 32 साल मुखिया रहे, और हमारा अपना विश्वास है कि 32 साल में जो भी IAS बिस्फी में आए तो उस IAS से फेस करने के लिए उस मुखिया को ताकत नहीं था कि जो हम जाएंगे फेस करेंगे, लेकिन अभी जो भी हमारे 10 साल में जो भी IAS आए हैं उनके साथ फेस किए हैं, बैठ के बात किए हैं और उनको अपने योजना को दिखलाए हैं और दिखला करके जो है उनको हम संतुष्ट किए हैं। प्रशासन वर्सेस पदाधिकारी
फेस करने की बात कही है आपने, तो एक सवाल और है कि बाढ़ग्रस्त घोषित क्यों नहीं हो सका? जलमग्न और प्रलय की स्थिति से आप भी अछूते नहीं रहे होंगे और आपकी जनता भी अछूती नहीं थी, तो फिर क्या इसका मतलब सॉल्यूशन होगा कि आप अगर जनमत संग्रह आपके कब्जे में आता है और आपके साथ होता है खड़ा, 12 तारीख को मतदान होना है, तो आप इस परेशानी से कैसे निपटारा करेंगे? हम सबसे ज़्यादा तो हमारा असुरा, गढ़िया, नरसाम, तीसी पूरा प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से। हमने सीओ साहब को जाकर के हाउस चला, उसमें हमने हाउस बंद करवाया जो अति विरोध करके, उसमें दोबारा जो है लिस्ट बना, उसके बाद में जो है सरकार का घोषणा ही नहीं हुआ, इसके चलते हमारा जनता जो है इससे वंचित रह गए। हमने अनुशंसा तो किए होंगे ना आप अपने पत्र पे? पूरे अनुशंसा करके एक भी परिवार मेरे यहाँ छूटा हुआ नहीं है कि जो बिस्फी सीओ साहब के यहाँ जो है सारा रखा हुआ है और उनके कंप्यूटर में जो सूची उपलब्ध है, एक भी जनता नहीं छूटा हुआ है उसमें। दोबारा हम मांग किए थे उनको, जब कुछ छूटा हुआ था दोबारा हम कर दिए सारा, लेकिन सरकार का ही चीज़ है, हम तो पैसा नहीं दे सकते, मुखिया का ही तो पावर नहीं है, ये तो सरकार की पावर है। सरकार के नहीं मिलने के कारण जो है किसी जनता को जो नहीं मिला, मधुबनी ज़िले में नहीं मिला। हाँ, ये आपदा विभाग से 6,000 रुपये की राशि मिलती है बाढ़ में, ये हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इसमें मुखिया या त्रिस्तरीय किसी भी पद के पंचायत सदस्य, निर्वाचित पंचायत सदस्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है ये, क्योंकि बिहार सरकार अंचलाधिकारी के अनुशंसा पे और जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पे किसी पंचायत, किसी प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित करती है और फिर लाभुकों के डायरेक्ट खाता में, जैसा हमारे मुखिया जी एक बात और बोल रहे थे, DBT माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, DBT माध्यम से किसी भी योजना, किसी भी राशि को हस्तांतरित किया जाता है लाभुक के खाता में, उसमें किसी की मध्यस्थता या किसी की मेडिटेरियन कोई नहीं होता। एक बात चलते चलते एक सवाल और है आपके पास कि बहुत सारे पंचायत में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, KUT भी किया, सिंगवारा भी किया और आज भी हम बिस्फी में मौजूद हैं, तो 29 तारीख का जो चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम है उसका स्वाद अभी तक लोगों के ज़बान पे है और अभी तक धुआं भी उसका उठ रहा है। परिणाम सामने है 29 नवंबर का, सिंगवारा ब्लॉक आपके पड़ोस में, तो एक बात तो साफ सारांश के तौर पे है कि परिवर्तन की राजनीति शुरू हो चुकी है, परिवर्तन की हवा चल चुकी है, तो आप किस तरह की परिवर्तन के ख्वाहिशमंद हैं आप, विकास या चेहरा? देखिए हमको जो है परिवर्तन, हम तो विकास किए हैं, विकास करूंगा, उसके लिए हम तो कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। परिवर्तन तो यही जनता का जो है विकास से ही परिवर्तन होगा। अब हम झूठ बोलते रहे और गप मारते रहे, विकास हुआ ही नहीं। सीओ साहब के यहाँ हम जैसे बाढ़ वाली बोले हैं, हमने उनके यहाँ मुस्तैद रख करके उनसे सामने में सूची बनवा करके और सारा अपलोड करवाया, एक भी जनता मेरे यहाँ नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरे यहाँ पंचायत है, लेकिन नहीं हुआ, सरकार के चलते नहीं हुआ। तो हम हर हाल में विकास की राह पर चलने वाले लोग हैं, विकास करेंगे, उससे पीछे तो हम हटने वाले हैं नहीं। जनप्रतिनिधि और लाभुकों के बीच में एक मैकेनिज्म काम करता है, एक संयंत्र काम करता है, वो आप भली भांति वाकिफ होंगे। बिचौलिए दलाल हर पंचायत में ये रोग से ग्रसित हैं, हर जनता इस रोग से ग्रसित है। आपके पंचायत के बारे में हमको सुनना चाहते हैं कि इसमें बिचौलिए दलाल की क्या तस्वीर है? हमारे पंचायत में नहीं कोई बिचौलिया है, नहीं कोई दलाल है, सब जनता से जो है जुड़ा हुआ है। मुखिया जी किसी बिचौलिया और किसी दलाल को रख करके कोई काम नहीं करते हैं, सब जनता से जो है डायरेक्ट, जो भी काम हुआ जनता से संपर्क। अब बिचौलिया जो बाहर में क्या करते हैं वो तो मुखिया जी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुखिया जी BDO साहब को भी कहते रहते हैं, CO साहब को भी कहते रहते हैं कि कोई जो है बीच में जो है आने से जो है उसको रोकिए, कोई बिचौलियों को नहीं, डायरेक्ट जनता को लाभ दीजिए। हमने जनता को लाभ देने का जो है, जैसे PDS है, PDS में पहले 32 साल में PDS उस समय में भी अंत्योदय अन्नपूर्णा चल रहा था, 6 महीना तक नहीं था, जी हाँ 6 महीना तक दाना नहीं मिलता था, लेकिन हम आए
तो प्रत्येक पॉक्स मशीन से पहले प्रत्येक माह दाना देने के लिए हम लोग हम जो डीलर पर जो है दबाव बनाए, डीलर को देना पड़ा प्रत्येक माह तो देना पड़ा। पहले जो हम पर जो है लोगों का जो है अपना ये था जो होता है वो हम क्या कहेंगे वो सब, लेकिन हमने कहा कि हम गरीब का दाना बेच करके खाने वाले लोग नहीं हैं, भगवान हमको अपने बहुत दिए हुए हैं। अगर अगर जनमत संग्रह 12 तारीख 12 दिसंबर को चुनाव मतदान होना है और 15 तक परिणाम आना है, इस बार भी अगर आपको ताज पहनाती है आपकी जनता, इस पंचायत की जनता, तो आप क्या तोहफा देना चाहेंगे अपने मतदाता बंधुओं को? हम अपने मतदाता बंधु को हम पूर्णतः संतुष्ट है, इस बार हमारे मतदाता बंधु जो है जितने हमारे गार्जियन हैं हमारे जितने मतदाता है सभी आदमी से हम संतुष्ट है कि इस बार भी हमको जो है ताज देंगे। और मैं सभी मतदाता को जो है अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और मुखिया जी भी धन्यवाद देती है। हम पूर्णतः जो है संतुष्ट है अपने से कि हम ठीक हैं, हमारी जनता ठीक है। और आखिरी में क्या मैसेज आप देंगे अपने मतदाता बंधु को हमारे चैनल के माध्यम से, कि क्या मैसेज शेयर करना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं आप? जो काम हमारा अधूरा रह गया है उस काम को पूरा करने के लिए हमने अपना अपील दिए हुए हैं। अपील में मेरा एक भी शब्द बाहर नहीं है। जो हमारा जो है कार्यकाल का जो है मुखिया का जो है मैपिंग होता है आम सभा ग्राम सभा करके, उस सारा हमारा जो है आम जनता के लिए पूरे जो है हमारा समर्पित है और हम उसी ढंग से काम करेंगे जो मेरा जो है घोषणा पत्र है।